नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर सर फॉर दैट वेरी इंस्पायरिंग एड्रेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर ऑल सेट नाउ टू विटनेस द लॉन्च ऑफ भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री नितिन गडकरी टू काइंडली डू अस द ऑनर्स बाय द प्रेस ऑफ दिस बटन। तो भाई, जिस दिन का हम सभी को काफी समय से इंतजार था, फाइनली आज वो दिन आ गया है। आज के दिन यानी 22 अगस्त को हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने ऑफिशियली भारत एनकैप को लॉन्च कर दिया है। रिसेंटली दिल्ली में हुए इस इवेंट में काफी सारे लोग शामिल हुए, जिसमें ग्लोबल एनकैप के चेयरमैन भी थे। इस लॉन्चिंग इवेंट में सब कुछ क्लियर किया गया कि कैसे और कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस के साथ भारत एनकैप वर्क करेगा। इसके अलावा कार्स को कौन कौन से टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। खैर, इन चीजों पर बाकायदा डिटेल में एक वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें क्रैश टेस्ट के तरीके, पॉइंट्स, स्टार रेटिंग्स, सब कुछ कवर होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के लिए लोगों की आंखें तरस गई थी। मैं बात कर रहा टाटा सफारी और हैरियर के क्रैश टेस्ट की। 1 घंटे 36 मिनट के इस लॉन्चिंग वाले वीडियो में मुझे बीच में एक क्लिप दिखाई पड़ा जिसमें कुछ गाड़ियां टेस्ट की जा रही थीं, और ये क्लिप कहीं से उठाया हुआ नहीं है बल्कि भारत एनकैप का खुद का है, क्योंकि इन गाड़ियों का क्रैश टेस्ट अभी तक कहीं पर भी नहीं हुआ है। सबसे पहले गाड़ी आपके सामने है टाटा नेक्सॉन। हालांकि नेक्सॉन का पहले क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप में हो चुका है, जो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन वो प्री फेसलिफ्ट था जिसको 2018 में टेस्ट किया गया था। ये SUV का फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट है जिसको 2020 में लॉन्च किया गया और अभी यही मार्केट में कंटिन्यू है। खैर, इसको फ्रंट से 64 किलोमीटर/घंटे पर टेस्ट किया गया है और इसने काफी अच्छे तरह से इम्पैक्ट झेला है। पिलर और रूफ वगैरह तक नुकसान नहीं पहुंचा। यही परफॉर्मेंस पिछले नेक्सॉन का भी था। दूसरे नंबर पर है टाटा टियागो, जिसको लेफ्ट से क्रैश बैरियर लड़ाकर टेस्ट किया गया है। इसमें गाड़ी ठीक ठाक डैमेज हुई है, हालांकि ये भी फेसलिफ्ट वेरिएंट है जो पहली बार ही टेस्ट की गई है। लास्ट में है अपनी देसी लैंड रोवर यानी टाटा सफारी। क्लिप में इसको दो तरीकों से टेस्ट करते हुए दिखाया गया है, एक साइड क्रैश बैरियर से और दूसरा पोल से। दोनों ही टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस सही लग रहा है। हालांकि इन गाड़ियों के पॉइंट्स और रेटिंग्स रिवील नहीं हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डेमो के लिए दिखाया गया था कि भारत एनकैप में इस तरह से टेस्ट होंगे। लेकिन ये क्लिप्स बिल्कुल ओरिजिनल हैं और इन गाड़ियों का हर तरफ से टेस्ट भी हो चुका है, बस रेटिंग्स आने बाकी हैं। हो सकता है जिस दिन भारत एनकैप रोल आउट हो यानी 1 अक्टूबर को, उस दिन पहले टेस्ट की हुई इन गाड़ियों का रेटिंग्स ऑफिशियली पब्लिश कर दिया जाए। उम्मीद पूरी है कि ऐसा ही कुछ होगा। बाकी आपका इन तीनों गाड़ियों के परफॉर्मेंस पर क्या मानना है और क्या लगता है नेक्सॉन सफारी और टियागो भारत एनकैप में कितने रेटिंग्स स्कोर कर पाएगी, कमेंट में बताइए।